महाराष्ट्र में एनसीपी के दो हिस्से होने के बाद अब एनसीपी के दोनों कुनवों के बीच अपने अपने संगठनों को मजबूत करने की होड़ मच गई है। दोनों गुट के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार चाहते हैं कि पूर्व मंत्री नवाब मलिक उनके गुट में शामिल हो जाएं। लिहाजा अजीत पवार ने खुद नवाब मलिक से मुलाकात की तो शरद पवार की ओर से अनिल देशमुख ने मुलाकात की। अजीत पवार के नेता छगन ने बताया कि यह मुलाकात केवल नवाब मलिक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने को लेकर हुई है। परत आमच्या दोघांच्या डिग्र्या सारख्याच आहे। आर एफ जे रिटर्न फॉर्म जेल रिटर्न फॉर्म जेल त्यामुळे जास्त आमचं काम आहे। आमचं एक सहकारी एक तर ते आजारी आहे। वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अजीत पवार के साथ कौन कौन बीजेपी में शामिल होगा इसका फैसला ईडी और सीबीआई करेगी। इस देश में ये हो रहा है मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी सेंट्रल एजेंसी। पवार साहब ने कहा है आज एक बार कि ईडी तय करती है कौन किसके पार्टी में जाए, ईडी तय करेगी कौन मंत्री बने कौन क्या। ये बहुत गंभीर बात पवार साहब ने कही है। तो उधर महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस ने अफवाहों का बाजार गर्म किया। कांग्रेस ने दावा किया कि शरद पवार जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन शरद पवार ने खुद इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। तो ये कैसे कि कई सहकारी कई लोग एक नवीन कि या देशामध्ये राजकीय निर्णय राजकीय पक्ष घेतात राजकीय नेते घेतात असा समज माझा सगळ्यांचा होता। बता दें बीते कुछ दिनों में अजीत पवार और शरद पवार ने कई बार मुलाकात की है, जिसके बाद अटकलें तेज हुई कि शायद भतीजे के कदमों पर चर्चा चल सकते हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने समय समय पर इन सभी तरह की बातों पर विराम लगाया है।